इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू द मेटल इज कॉल्ड अ मेटेलिक आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एंड इट्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन कंडक्शन डिपेंड ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम एंड टेम्परेचर. इट डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. याद रखिए कि मेटेलिक कंडक्टर में जितना ज़्यादा करंट पास करते हैं या जितना उसके अंदर हीट देंगे उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री स्टेट में होंगे और उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. जबकि आयनिक सॉल्यूशन में अलग होता है. आयनिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे, आयन्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी कम होती है. यानी इलेक्ट्रॉन जितने पास पास रहेंगे और इलेक्ट्रॉन जितने पास पास रहेंगे, जितने ज़्यादा नंबर में रहेंगे, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है. ठीक है. और जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है टेम्परेचर इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यानी कंडक्टिविटी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें थोड़े से बढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री स्टेट में मूव करेंगे और कंडक्शन को ज़्यादा करेंगे. बट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा रहेगी. एज द इंटर द इलेक्ट्रॉन एट द वन एंड एंड गो थ्रू द अदर एंड द कंपोजिशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर रिमेन अनचेंज. द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन थ्रू द सेमी कंडक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स. सेमी कंडक्टर ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी होती है. एट द लो टेम्परेचर इट एज द नॉन कंडक्टर, बट एट हाई टेम्परेचर एक्ट एज द कंडक्टर. मैंने आपको बताया ना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में आएंगे और करंट पास करेंगे, तो हाई टेम्परेचर होने पर कंडक्टिविटी इसकी बढ़ेगी. चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर. आयनिक कंडक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई सॉल्ट हमने डाला NaCl, KCl, KBr, NaOH, तो वो वाटर में डालने पर डिसोसिएट हो जाता है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, केटायन्स और एनायन में, और जिसके कारण करंट जब पास होता है तो उसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या आयनिक कंडक्टिविटी कहते हैं. बिकॉज फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द आयन्स, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है कि जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. साइज़ ऑफ आयन्स प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेंट. साइज़ अगर बड़ा होगा तो कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन साइज़ अगर छोटा होगा तो मोर नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस होंगे जिसके कारण कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. अगला द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होने पर कंडक्टिविटी कम होती है और डाइल्यूट सॉल्यूशन होने पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच पाए जाने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में बहुत ज़्यादा होगा तो आयन्स ईजिली मूव नहीं करेंगे. अगला द टेम्परेचर सेम. टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आयन्स फ्री स्टेट में जाएंगे और कंडक्टिविटी को इफेक्ट करेंगे. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी. देखिए आगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी को मेज़र करने के लिए व्हीटस्टोन ने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया. इसमें देखिए जनरली एक डायग्राम दिया है, इसमें उन्होंने बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है. आयनिक सॉल्यूशन में दो फेज होते हैं. फर्स्ट फेज होता है पासिंग डायरेक्ट करंट डीसी चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन ये, और दूसरा फेज होता है सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटेलिक वायर और सॉलिड कंडक्टर. तो जो फर्स्ट डिफिकल्टी की हमेशा उसमें डीसी करंट पास होगा. मान लीजिए डीसी करंट नहीं हुआ तो कैसे काम करेगा. और दूसरा जो था वो ये था कि उसे सॉल्ट ब्रिज से आसानी से कनेक्ट नहीं कर सकते. तो इन दोनों प्रॉब्लम को उन्होंने शॉर्ट आउट किया. फर्स्ट प्रॉब्लम को तो उन्होंने डीसी करंट की जगह एसी करंट पास किया, और सेकेंड प्रॉब्लम को उन्होंने जो करा था नॉर्मल सेकेंड प्रॉब्लम को उन्होंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था स्पेरिकल शेप में ब्रिज को, ताकि उसमें करंट को पास कर सके, ब्रिज को आसानी से कनेक्ट करा जा सके. चलिए ये हमने पढ़ा था आर इज़ अ रेजिस्टेंस, रो इज़ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल अपॉन ए, वन अपॉन रो, रो को चेंज करके वन अपॉन के लिखा. बिकॉज रो इज़ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कप्पा इज़ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द क्वान्टिटी ऑफ एल अपॉन ए इज कॉल्ड अ सेल कॉन्स्टेंट. ये डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है. अच्छा जी इज़ अ कंडक्शन, वो जी स्टार जो बना रहा है दैट इज़ अ
कांस्टेंट, दोनों में अंतर याद रखिए। जी जो है स्पेस, जी कंडक्शन होता है और जी स्टार जो होता है दैट इज सेल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू एल अपॉन ए होती है। तो यहाँ देखिए जी स्टार इजिकल लिखा है एल अपॉन ए। अगर लेंथ ज़्यादा होती है किसी भी सेल में वायर की तो उस कंडीशन में सेल कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होता है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अंतर आप समझते होंगे। जी प्रोपोर्शनल एल दिया है यानी एल बढ़ाने पर जी की वैल्यू बढ़ेगी, और जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए दिया है यानी ए की वैल्यू कम करने पर जी की वैल्यू बढ़ेगी। ओके इसी तरह नंबर ऑफ़ आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो भी कंडक्शन सेल कांस्टेंट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ आयंस कम होंगे तो सेल कांस्टेंट कम होगा। यहाँ पे देखिए आगे, ये डायग्राम आपको फिजिक्स में ही मिलेगा। मैंने आपको बताया था बीटी स्टोन इज़ अ डिवाइस टू नोन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंपाउंड। सो अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इसमें R1, R2, R3, इसमें होता है जब किसी भी सेल में करंट पास नहीं करता है तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन 0 के बराबर होता है और सेल बैलेंस होते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बैलेंस होते हैं। R1 अपॉन R2 इक्वल R3 अपॉन R4, इस तरीके से बैलेंस होगा। देखिए R1 अपॉन R2, और देखिए R1 अपॉन R2 करा है और R3 अपॉन R4 करेंगे तो अननोन रेजिस्टेंस आप जब एक साइड लेंगे तो R2 इजिकल आ जाएगा आपके पास, R1 R4 अपॉन R3 आपके पास आ जाएगा। कप्पा इज अ स्पेसिफिक कंडक्शन और सेल कांस्टेंट अपॉन आर अगर कर देंगे तो ये स्पेसिफिक कंडक्शन के रेशियो में टर्म हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखेंगे। आप एक पेज पे सभी फार्मूले लिख लेंगे, ये फार्मूला बेस्ड ही चैप्टर है पूरा। देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ सेल या मोलर कंसनट्रेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय लेमडा। देखिए क्या दिया है, द कंसनट्रेशन ऑफ आयन आर केस विद द आयन मोर अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट इफ बिकम द नेसेसरी टू डिफाइन अ फिजिकली मोर मैग्नीफिल क्वांटिटी कॉल्ड द मोलर कंडक्शन डिनोटेड बाय द सिम्बॉल लैम्डा। इट इज़ रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बाय द इक्वेशंस। मोलर कंडक्टिव यानी लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अपॉन कंसनट्रेशन, ये दोनों अगर लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे देखें ये जो इक्वेशंस दी हैं आपकी, इनमें आपको यूनिट्स याद रखना है, जैसे लैम्डा इजिकल क्या होता है, यूनिट में अगर निकालें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो क्या होगा। ठीक है देखिए मैंने आपको बताया फार्मूले ही हैं, डायरेक्ट फार्मूले पुट करके आप आंसर रखेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस निकालना है आपको, अगर फार्मूला याद है तो आप कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ द कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन क्या होता है पहले ये समझिए। कंसनट्रेशन नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसनट्रेशन। मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाला तो कंडक्टिविटी कितनी होगी, दो चम्मच नमक डाला कंडक्टिविटी क्या होगी, 3 चम्मच नमक डाला कंडक्टिविटी क्या होगी। इसी तरह जो आपने बैटरी देखी है, बैटरी में हम HCl डालते हैं या H2SO4 डालते हैं, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन होती है उसके ऊपर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। देखिए दो टाइप की कंडक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। देखिए बोथ कंडक्टिविटी लाइक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन। मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यानी मोलर कंडक्टिविटी या फिर नॉर्मल कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम और जी, दोनों ही कंडक्टिविटी कंसनट्रेशन कम करने पर कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम दो टाइप के कंडक्शन पढ़ते हैं या दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन कम होती है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टेबिलिटी कम होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे वो कम होंगे,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। बीटी इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अफेक्ट मोर बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी डिक्रीज और इंक्रीज बाय चेंजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। Conductivity of solution of at given concentration is conduction of unit volume of solution kept within the platinum electrode with unit area of cross section at a distance of unit length. This is clear for the equation G equal kappa A upon L. ये रिलेशन याद रखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन दिया है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्शन ऑफ वॉल्यूम बी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल कप्पा ए अपॉन ले इक्वल कप्पा। देखिए ये जो बता रहा है, मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ कि एक लीटर सोल्यूशन के अंदर जितने इलेक्ट्रोलाइट यानी जितना सॉल्ट मिलाएंगे, वो सॉल्ट जितना करंट को पास कर सकता है, जितना करंट प्रोड्यूस कर सकता है, जितना करंट को पास कर सकता है, उसे इसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, एक लीटर पानी में अगर आपने वन स्पून सॉल्ट डाला तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, टू स्पून डाला तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप सॉल्ट बढ़ाते आएंगे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती आएगी, क्योंकि एक लीटर के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस पार्टिकल, नंबर ऑफ केटायंस एनायंस बढ़ते जाएंगे, इसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। इसी तरह मोलर कंडक्टिविटी भी, मोल्स माने एक चम्मच को आप बांध रहे हैं कि मोल्स के लिए, जैसे NaCl होता है 35.5 ग्राम का वन मोल है, इसी तरह 71 ग्राम टू मोल्स, 105.5 ग्राम जो है आपका थ्री मोल्स हो जाए। जैसे जैसे मोल बढ़ाते जाएंगे यानी उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन, है ना। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, अब ये क्या बोल रहा है ये आप समझिए कि एक लीटर सोल्यूशन में अगर हमने सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट अगर स्पून, एक स्पून शुगर है एक लीटर वॉल्यूम है पानी का, आपने एक लीटर को दो लीटर कर लिया, दो लीटर को तीन लीटर, यानी अब हम आप सॉल्यूट को नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर हम सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये यही बता रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन, यानी अगर हम लीटर अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के पार्टिकल बढ़ाते जा रहे हैं यानी लिक्विड बढ़ते जा रहे हैं, तो जो एक चम्मच शक्कर थी, एक चम्मच सॉल्ट था, वो केवल एक लीटर में मूव कर रहा था, अब दो लीटर में मूव करेगा, तीन लीटर में, यानी उसका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, यदि सॉल्वेंट आप बढ़ाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज होगी, उस समय जो पार्टिकल है उसकी मूवमेंट ज़्यादा एरिया में होगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, आगे अगर देखें, वेन द कंसंट्रेशन अप्रोच ज़ीरो, यानी अगर हम सॉल्ट के अंदर इतना पानी ऐड कर दें कि उसकी कंडक्टिविटी ऐसी माना जाए कि वो उसके लिए मूवमेंट हो ही ना, उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम के ऊपर जब जीरो टाइप का कुछ लगा देंगे, लैम्डा नॉट एम अगर लिखेंगे, इट इज़ नोन एज द मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसके लिए कॉलराउस ने एक लॉ दिया था जिसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लॉ कहते हैं एट द इन्फिनाइट। ओके, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको अभी बताया है कि जिसमें वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर कम्प्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लैम्डा एम इक्वल आपका दिया है लैम्डा एम लिमिटिंग माइनस ए सी वन हाफ, जो सी एंड वन हाफ दिया है वो लैम्डा एम के रिस्पेक्ट में होता है, ए जो दिया है वो स्लोप होता है जो फिक्स होता है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल दे रहा है NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, ये कम्प्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसे ऑन सागर प्रिंसिपल भी कहा जाता है।
ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी वन अपॉइंट टू, सी इज़ अ स्लोप अगेंस्ट अ मोलर कंडक्टिविटी, और जो दूसरा ए दिया है इट इज़ स्लोप अगेंस्ट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये याद रखिएगा, इसे ऑन सागर प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो इजी हैं, आप करने की कोशिश करेंगे हो जाएगा। देखिए ये कॉलरोस का प्रिंसिपल आ गया। अकॉर्डिंग टू कॉलरोस प्रिंसिपल ऑन द इन्फाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। ठीक है, मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू कॉलरोस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए उसके लिए कॉलरोस ने लॉ लिया। ये लॉ दिया है स्पेसिफिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसके कारण वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है या बहुत कम आयन में डिसोसिएट होगा। ओके, याद रखिएगा, इसे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे समझेंगे। थैंक यू।